यहाँ पे जो पत्थर गिरने का सिलसिला आज से नहीं पिछले 3 सालों से कंटिन्यू ये लैंडस्लाइड चलते आ रहा है। रामबन का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है वो ये एरिया रहने वाला है। अभी मैं ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे और ये एरिया यहाँ से आगे की ओर प्लान हुआ करता था, लेकिन इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ तक ये पहुँच चुका है। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन माई न्यू वीडियो। और आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो रामबन कैफ्ट एरिया में आड़ में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे लैंडस्लाइड होता जा रहा है। आज की वीडियो लैंडस्लाइड के रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो हम लैंडस्लाइड जो रोड से रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, एक्चुअली हम आज की वीडियो जहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वीडियो जहां से लैंडस्लाइड शुरू हो रहा है। सारा का सारा वहां का विजुअल्स दिखाएंगे जो अभी तक 1 से 2 किलोमीटर टॉप तक जो लैंडस्लाइड हो गया है वो भी कवर करने वाले हैं। आप सबको लेके चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं इस लोकेशन पे आ चुका हूँ। अभी ये नेशनल हाईवे 44 रहने वाला है और ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ये है रामबन कैफ्ट एरिया और ये सामने की ओर रामबन मिहाड़ एरिया रहने वाला है। और अभी मैं रोड से 1 किलोमीटर ऊपर हूँ, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की लोकेशन पर। कुछ टाइम पहले यहाँ से लैंडस्लाइड हो चुका है और यहाँ पर अभी नॉर्मल है, यहाँ से लैंडस्लाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ पर लैंडस्लाइड रुक गया है। और दूसरी ओर आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखो यहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर लैंडस्लाइड पहुँच चुका है। बाकी के विजुअल्स हम आपको ऊपर से दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं, ये देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे आप सबको पता होगा यहाँ पे टनल बनाया गया है जो कि यहाँ से होके इस लैंडस्लाइड एरिया से अंदर से टनल होके और सामने की ओर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ तक जो कट इन कवर टनल बनने वाला है वो रहने वाला है। और सामने की ओर एक और टनल है, मैंने दोनों टनल पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो पत्थर गिरने का सिलसिला आज से नहीं पिछले 3 सालों से कंटिन्यू ये लैंडस्लाइड चलते आ रहा है। रामबन का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है वो ये एरिया रहने वाला है। अभी मैं ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आज की वीडियो रहने वाली है वो वीडियो ऊपर से मैं शूट करने वाला हूँ, ना कि मैं नीचे हाईवे से कवर करूँगा। आज का मैं जो वीडियो लेके आ चुका हूँ वो जहाँ से लैंडस्लाइड शुरू हो रहा है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो गाइज अभी हम इसको टॉप से भी कवर करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ के विजुअल्स, लाइव विजुअल्स देख लो। जैसे कि आप सबको पता होगा सुबह से यहाँ पे बारिश थी और बारिश की वजह से जो यहाँ पे मौसम है काफ़ी ज़्यादा डार्क मौसम है। तो गाइज अभी मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा, अभी भी यहाँ से छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं, आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी मौसम ही कुछ इस तरह का है जो कि अभी आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो लैंडस्लाइड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से ये वीडियो कैप्चर करने वाला हूँ। तो अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाना है और ऊपर से मैं लाइव वीडियो कैप्चर करने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो। आने वाले टाइम सारे के सारे नेशनल हाईवे के रिलेटेड वीडियोस मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सबको मिलने वाली है। तो गाइस अभी मैं नेशनल हाईवे से 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूं और अभी मैं मुझे यहां से 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है जो कि ऊपर से लाइव विजुअल्स आप सबको ये नेशनल हाईवे के जहां से लैंडस्लाइड शुरू होता है वो दिखाने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में कमेंट कर दें कि आप सबको आज की ये वीडियो और जो हमारे रामबन का जो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है आज की वीडियो आप सबको कैसे लगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और देखो यहाँ पे ये देखो लाइव विजुअल्स यहाँ के, ये देखो यहाँ से नीचे गाड़ी कितनी दूर है। और ये सोच के चलो कि अभी भी यहाँ से मैंने कितना ऊपर जाना है, 1 किलोमीटर ऊपर जाना है और यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप सबके लिए, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था, आप सबके साथ एक प्रॉमिस करा था कि जो यहाँ के लाइव विजुअल्स हैं जहाँ से लैंडस्लाइड शुरू होता है वो मैं आप सबको अपडेट दूँ। और मैंने इस नेशनल हाईवे से इस ओर की मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आप सबको दिए व्लॉग के माध्यम से।
तो गाइज़ आप ये चेक कर सकते हो, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ से नीचे गिरते हैं, और जो आप वो लास्ट नीचे यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे जो आप गाड़ी देख पा रहे हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा स्लाइड बन जाता है सामने की ओर। ये मैत्रा फ्लाईओवर रहने वाला है, काफ़ी पैसेंजर हैं जो कि जम्मू की ओर जाते हैं और वो मैत्रा वाले रोड पर जाते हैं। आप सबको बता दूँ कि यहाँ पर भी सेम वही हाल होने वाला है, क्योंकि आप सबको बताओगे जो हमारे मैत्रा रोड पर जितने भी ब्रिजेज हैं सारे के सारे सिंगल ब्रिज हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और ये भी चेक करो, ये सामने की ओर रामबन रहने वाला है। अभी हम नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, अभी भी हमने यहाँ से कोई आधे से 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है। ऊपर से लाइव विजुअल्स आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखो, ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ की ज़मीन सारी की सारी यहाँ से काफ़ी ऊपर से स्लाइड होते होते यहाँ पर रुका है, जो कि यहाँ पर हर दिन गिरते ही जा रहा है। और अभी हम ऊपर जाते हैं और ऊपर से आपको लाइव विजुअल्स दिखाने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे टॉप पे आ चुका हूँ। नेशनल हाईवे यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे है और ये जो यहाँ पे लैंडस्लाइड है आप सबको बताओगा यहाँ तक पहुँचाया है। अभी मैं इस तरह की लोकेशन पे हूँ, जैसे कि आप सबको बताओगा, ये चेक करो, यहाँ का जो एरिया था पहले आगे प्लान हुआ करता था, लेकिन इस लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी नीचे पहुँच चुका है। काफ़ी ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे और ये एरिया यहाँ से आगे की ओर प्लान हुआ करता था, लेकिन इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ तक ये पहुँच चुका है। यहाँ पर जो एरिया था काफ़ी ड्राई एरिया था और पिछले 3 सालों से कंटिन्यू ये लैंडस्लाइड चलते जा रहा है। और अभी ये हर दिन हर बारिश में और धूप में भी ये लैंडस्लाइड चलते चलते कुछ इस तरह के लोकेशन तक पहुंचाया है। और यहाँ से पीछे भी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी दरारें पड़ी हुई हैं। और आप सबको बता दूँ, ये सामने रामबन की ओर रहने वाला है, ये चेक करो, ये आज यहाँ पे है, कल और नीचे और परसों और नीचे, और एक बारिश के बाद ये लैंडस्लाइड सामने की ओर जो चनाब देख पा रहे हो ये वहाँ पे होगा और ये साथ में काफ़ी बड़ा नुकसान नहीं करेगा। सबको यही सजेस्ट करूँगा कि ये मैत्रा वाले रोड से आओ, जितने भी छोटी गाड़ी वाले हो आप मैत्रा रोड पे आओ, सेफ ट्रैवल करो। मैत्रा वाला ब्रिज है, इस पे ट्रक वगैरह अलाउड नहीं है। तो गाइस सामने की ओर ये रहने वाला है रामबन, रामबन के साथ में फ्लाईओवर बनता जा रहा है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है अभी तक। अगर आपने फ्लाईओवर की वीडियो चेक नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, जल्दी से जाओ। और ये हमारे रामबन का फ्लाईओवर बनने वाला है और सामने की ओर ये रहने वाला है यहाँ का कुछ विजुअल्स लाइव।